इस खबर के प्रायोजक है संभावना उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर आरा भोजपुर। बेगूसराय में हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने परिजनों के साथ खमहार गांव के पास SH 55 को जाम कर हंगामा किया है। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खमहार गांव निवासी चाय पत्ती विक्रेता नीरज कुमार की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। 24 जनवरी की रात अपराधियों ने गोली मार दी थी। इस मामले में परिजनों ने ग्रामीण राजेश कुमार समेत कई लोगों को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के 6 दिनों के बाद भी पुलिस किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। इधर आरोपियों के द्वारा लगातार परिजनों को धमकी दी जा रही है। मृतका के पत्नी ने बताया कि नामजद आरोपी राजेश कुमार के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। घर के छत पर ईंट पत्थर फेंके जाते हैं, लेकिन पुलिस सूचना के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करती है। इसी से नाराज ग्रामीणों ने परिजनों के साथ ही SH 55 को जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सबसे पहले टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। जाम की सूचना पर मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पहुंची है। आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बेगूसराय में पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा होने लगा है। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खमहार गांव के निवासी नीरज कुमार की हत्या 24 जनवरी की रात कर दी गई थी। पुलिस अब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हरे रामदास, टुडे बिहार न्यूज, बेगूसराय। यही जो हमको पति को तो मार दिया है राजस्व, अब हमको कहता है जो 3 बच्चा है, 2 ये है, इसको भी मार देंगे। रात के उसके लड़का हमको छोटा पकड़ के मारा है, पर उनको फोन किए हैं तो वो नहीं आए थाना। आ तो फिर हम जो अब जो है वो राजस्व आता है रात को, हमको रोज गेट में धक्का मारता है, कहता है गेट खोलो नहीं तो मार देंगे। हम सारा लोग चुप के बैठे रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं। रोज छत पे ईटा फेंकता है, चपार पे ब्लड लगा हुआ खून उसके छत पे रखा हुआ है, लुंगी में, वो भी कोई नहीं लगाया। थाना को हम सुबह फोन किए, सर आइए हमको देखिए ऐसा ऐसा बात है, खून कर देगा हमको। थाना भी नहीं आए हमको, थाना बोले हमको शाम सुबह का ड्यूटी यहाँ पर है, हमको रोड पर ड्यूटी नहीं है। मर्डर हुआ है, मर्डर के बाद उसको धमकी रोज दिया जा रहा है और उसको न प्रशासन एक बार घर पर भी नहीं आए है उसको गिरफ्तार करने के लिए। आज 5-6 दिन हो गए, एक दो दिन नया इसी प्रचारने के लिए सब आदमी इसका सहयोग करने के लिए यहाँ रोड पर आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? रोज मांग कर रहे हैं उसको गिरफ्तार किया जाए।